हेलो एवरीवन वेलकम टू सिविल स्टाफ टीचिंग एग्जाम आम कांशा मैम और हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं कि जो एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है सी एस आई आर नेट केमिकल साइंस की जो डेट अनाउंस हो चुकी है वो और उसमें जो टाइम आपको मिला है उसमें उसका जो यूटिलाइजेशन है आप कैसे कर सकते हैं राइट तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल टू यू राइट ओके सो so, स्टूडेंट्स जैसे कि आप जिस तरह नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे ट्वेंटी फाइव टू ट्वेंटी सिक्स जून को एग्जाम होना था बट एंटी ने एग्जाम को पोस्टपोन किया और अब आपके एग्जाम की नई डेट आई है दैट इज़ फ्रॉम ट्वेंटी फाइव टू ट्वेंटी सेवन जुलाई राइट सो ट्वेंटी फाइव टू ट्वेंटी सेवन जुलाई आपका एग्जाम फिर से होने वाला है और अब आपके पास एग्जैक्टली exactly अगर हम बोले तो ट्वेंटी फाइव डेज बचे हैं बिकॉज हमें जाने आने में भी प्रिपरेशन में भी टाइम लगेगा तो ट्वेंटी फाइव डेज लेफ्ट तो बहुत ही कम टाइम बचा है एग्जाम में और दिस वॉज़ लाइक अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि आपको एक टाइम मिल गया एक्स्ट्रा जहाँ पे आप दोबारा से अपने जो एग्ज़ाम के सिलेबस था उसको रिवाइज कर पाए और आपके जो लेफ्ट ओवर टॉपिक्स थे आप उनको भी दोबारा से कर सकते हैं ठीक है तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं कि कैसे आप इस जो टाइम बचा है इसको सही यूटिलाइज कर सकते हैं देखिए सबसे पहली बात कि आपने जब ये एग्जाम देने वाले थे तब आपने अपना एक कोर्स रेडी करके रखा था कि हाँ मैंने इतना पढ़ लिया है और अब मेरा एग्जाम नेक्स्ट डे है बट देन अगेन ये पॉसिबल हो गया अब आप इसकी जो डेट आई है तो डेट और एग्जाम के बीच में जो 25 डेज का टाइम है आप उसको सही यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं तो पहली बात तो आपने जो किया हुआ है आपको करना है उसका रिविजन द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज रिविजन ठीक है एंड द टाइम मैनेजमेंट ये दोनों चीजों को आपको देखना है बिकॉज अभी हमारे पास ज्यादा नहीं ट्वेंटी फाइव डेज है ठीक है कितने हैं ट्वेंटी फाइव डेज आप मान के चलिए तो ट्वेंटी फाइव डेज में आपको कैसे आप उसका सही टाइम को मैनेज करते हुए अपने जो जितना भी आपने पढ़ा है उसका रिविजन करना है आपको क्या नहीं करना है दैट इज आपको फ्री चिलो के चिल नहीं बैठना है कि ठीक है मैंने तो पढ़ लिया था अब मैं अमेजी एग्जाम जो आएगा उसके पहले मैं दस पंद्रह दिन पहले पढ़ लूँगा पढ़ लूँगी वो चीज़ आपको नहीं करनी है ठीक है आपको स्किप नहीं करने हैं अपने जो रेगुलर आपका कंसिस्टेंसी के साथ में आप पढ़ रहे थे ये चीज़ें स्किप नहीं करनी है राइट और आपको अपनी जो टेस्ट सीरीज आप दे रहे थे जो सेशन आप अपने टेस्ट के दे रहे थे वो सब भी आपको स्किप नहीं करनी है ठीक है अब आपको करना क्या है तो जो सबसे बेस्ट आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी कि इस टाइम का यूटिलाइज हो सकता है दैट इज आप उसका रिविजन कीजिए तो रिविज़न जो आप करते हैं दैट इज आप इसे थ्री स्टेज में डिवाइड कर सकते हैं ठीक है तो पहले आप अभी क्या पढ़ रहे हैं करंट तो एक तो होता है करंट ठीक है जो आप अभी यूनिट्स पढ़ रहे हैं एक होता है पास्ट जो आपने पहले पढ़ लिया है उन यूनिट्स का ठीक है और जो एक बच्चे का वो होगा इन दोनों का मिक्स तो पहले हम करंट देखते हैं आप अभी रिसेंटली करंटली जो यूनिट पढ़ रहे हैं आप उसे पढ़ते रहिए ठीक है फिर आपने क्या करना है एक टाइम टेबल ऐसे बनाना है कि जो आप टॉपिक आज पढ़ रहे हैं सेवन डेज के बाद आप वो रिवीजन कर पाए ठीक है आप उसका रिवीजन कीजिए और अभी तक आपने जो पास्ट में पढ़ी है जो भी आपने अपने सब्जेक्ट में यूनिट्स पढ़ी हैं या चैप्टर्स पढ़े हैं आप उनका एक चार्ट बनाइए ठीक है लिखिए कि आपने अभी तक क्या क्या कर लिया है ठीक है ये आपका सिलेबस है आपने एक पेपर पर पे लिख लिया और उस सिलेबस में आपने देखा कि आपने क्या क्या यहाँ पर पढ़ा है ठीक है तो आप जो कर चुके के जो डन वाला पार्ट है जो आप कर चुके हैं वो आपने लिखा है ठीक है अब उस पार्ट को आपको रिवाइज़ करना है रिवीजन में आप जैसे टेन डेज डालिए टेन डेज आपने रिवाइज़ किया ठीक है अब जो टेन डेज़ के बाद भी जो अभी आप करंट में पढ़ रहे थे वो टेन डेज़ के बाद भी दोबारा से रिविज़न में आ जाएगा तो आपको एक इस तरीके का साइकिल बनाना है जिसमें कि सारी चीज़ें आपकी रिवाइज़ हो पाएँ ठीक है डे बाय डे आप उसको रिवीजन में डालिए अलोंग विद द रिवीजन, यू हैव टू आल्सो कंटिन्यू योर टेस्ट सीरीज ठीक है जो भी आप पढ़ रहे हो देखिए जो भी आप रिवाइज कर रहे हो तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने मतलब वो आप टेस्ट सीरीज कहाँ से ला रहे हो कौन सी बुक का ला रहे हो बस आपके पास ना उसके क्वेश्चन होने चाहिए यू शुड हैव अ टेस्ट और अ क्वेश्चन फ्रॉम दैट टॉपिक तो आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं ठीक है आप जो भी टॉपिक यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो आपको क्या करना है उस टॉपिक का उस टॉपिक का आपको क्या करना है क्वेश्चन करने ठीक है जब आप रिवीजन स्टार्ट करेंगे फॉर दिन दी दीज जब आप अपना रिवीजन स्टार्ट करेंगे फॉर ट्वेंटी फाइव डेज वाला जो बता रही हूँ मैं आपको तो सबसे पहले आप अपना टॉपिक पढ़ेंगे टॉपिक आप और उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस रखेंगे तो आपने फर्स्ट डे में एक टॉपिक रिवाइज किया फिर आपने लास्ट में उसके क्वेश्चन सॉल्व किए फिर सेकंड टॉपिक आया फिर थर्ड टॉपिक आया आफ्टर सेवन डेज और टेन डेज वो टॉपिक फर्स्ट दोबारा से रिवाइज होना चाहिए ठीक है तो आपको जो अपना टाइम टेबल है इस तरीके से बनाना है अब यहाँ पे जो मिस्टेक्स बच्चे करते हैं जो वो केयरलेस हो जाते हैं यहाँ पे क्या ओके ट्वेंटी फाइव डेज बचे हैं हम पूरा पढ़ चुके हैं तो अभी हम इतना सीरियसली नहीं लेते हैं उन चीजों को ठीक है तो ये सोचते सोचते वो फाइव टू तो टेन डेज वेस्ट कर देते हैं जब लास्ट में उनके पास सिर्फ फिफ्टीन डेज बचेंगे तब उनको फिर ऐसा लगता है कि अब हम क्या करें अब एग्जाम कैसे क्रैक होगा ठीक है उससे नहीं होगा है ना आपको अगर एग्जाम सीरियसली आपको अगर क्लियर करना है जे के साथ क्लियर करना है तो आपको अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो बंद नहीं करनी है आपको अपनी जो स्ट्रैटेजी है कंटिन्यू रखनी है उसके साथ साथ जो भी आप यहाँ पर देखते हैं हम हम आपसे शेयर करते हैं सारी चीज़ें राइट कि आप ऐसे कर सकते ऐसे कर सकते हो उन चीज़ों को फॉलो कीजिए बिकॉज वो एक्सपीरियंस चीज़ है जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं हम लोगों ने हमारे क्लियर के टाइम में हमने उन चीज़ों को फॉलो किया है राइट तो अगर आपको बेनिफिट होता है इन चीज़ों से तो आप उसे फॉलो कीजिए बिकॉज फॉलो करने पे ही आपको पता चलेगा दैट इट इज़ बेनिफिशियल और नॉट सो नाउ जब आप अपने टॉपिक को क्वेश्चंस के साथ में क्या करेंगे रिवाइज़ करेंगे रिवीजन का मतलब ये नहीं आप पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं कंटेंट आप पढ़े जा रहे हैं आपको पता ही नहीं है कि मतलब कहाँ पे स्टॉप करना है राइट right? तो आपने जो टॉपिक आपके सिलेबस में है उनको टॉपिक वाइज टॉपिक उठाइए और हर टॉपिक के सम क्वेश्चन लाइक टेन क्वेश्चन ट्वेंटी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए बस फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट देन उसके क्वेश्चन सॉल्व ठीक है इस तरीके से आपने करना तो ये तो बात हो गई जो आपने पढ़ लिया है उसकी रिवीजन की राइट अब जब आप कुछ टॉपिक आपके जो छूट गए थे लास्ट जब एग्जाम देना था तब तो हमने जो लेफ्ट ओवर टॉपिक थे तो अगर हम बोले कि जो लेफ्ट टॉपिक्स जो बचे थे उनका क्या करना है तो आप बोलोगे कि उनको भी आपको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए थी, ठीक है जो लेफ्ट टॉपिक थे जो बचे हुए टॉपिक्स थे वो भी आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए बिकॉज अब आपको टाइम मिला है हो सकता है जो आप टॉपिक छोड़ के गए थे ऑफकोर्स वो टफ टॉपिक्स थे तभी आपने छोड़े हैं तो उन टफ टॉपिक्स में से भी क्वेश्चन आते हैं तो मे बी वन और टू क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर पाओ और वो आपके सक्सेस के लिए क्या और रिस्पॉन्सिबल ओके okay? तो इसलिए आपको जो भी अब टाइम मिला है उसमें आपको इस तरीके से जो भी स्ट्रैटेजी मैंने आपके साथ अभी शेयर करी है उसके साथ अपना रिवीजन प्लान आप बना सकते हैं बिल्कुल सही तरीके से और एग्जाम पास आ गया है तो आप लोगों के लिए जो चीज़ें आपको नहीं करनी है किन चीज़ों को फॉलो करना है वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर कर चुकी हूँ राइट तो आई होप कि आप लोगों के लिए ये चीज़ें जो है वो बेनिफिट बेनिफिशियल रहेंगी ओके सो आप जो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आप ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पर आपको सी एस आई आर नेट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है नोट्स होते हैं और जो टेस्ट सीरीज़ होती है वो सब यहाँ पे अवेलेबल है राइट आपको हमारा सेशन पसंद आया तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ आर वीडियोस आपके लिए हम लोग ऐसा वीडियोस लेके आ रहे हैं बिकॉज़ अभी जो टाइम है एग्जाम का इसमें स्टूडेंट्स को बहुत सारे डाउट रहते हैं कि कैसे हम इन चीज़ों को मैनेज करें कैसे हम इन चीज़ों को यू नो फॉर लाइक गेट टू गेट अ क्लियर टू गेट ए सक्सेस है ना डिजायरेबल रिजल्ट हमें चाहिए तो उसके लिए हम क्या स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं हम क्या कर सकते तो इन सब चीज़ों के लिए जो वीडियोज हम लेके आते हैं तो आपके पास बस का नोटिफिकेशन आए इसके लिए आप प्रेस आइकन को बेलाइकन को प्रेस कर दीजिए करैक्ट ठीक है सो दैट वो दिस से नेक्स्ट सेशन टिल देन ऑल द बेस्ट फॉरप्रेशन एंड पढ़ते रहिए और रिविजन करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चन की बाय